ये तो पहुंच गई छवि के कमरे में। आज तो छवि की खैर कोई नहीं, देखना बिन बातें प्रसाद हो गई। तो रुक गई, अंदर क्यों नहीं जा रही है? ये तो मेरा वाला लहंगा पहना है छवि ने। छवि, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम पर अपनी सोच डाल रही हूँ, लेकिन ननंद भाभी का रिश्ता तो एक दोस्त जैसा होता है ना, इसलिए तुम्हें अपना अनुभव बताना चाह रही थी। छवि, तुम तो जानती हो कि शादी से पहले ही मैंने अपने मम्मी पापा को एक बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया था। उसके बाद जब मैं सूरज जी से शादी करके इस घर में आई, तब सब कुछ अजीब सा लगने लगा। लेकिन फिर रिश्ते जुड़ने लगे, मन के रिश्ते। फिर मुझे बाबू बाबा साहब के रूप में अपने नए मम्मी पापा मिले। उनकी हर डांट में मुझे प्यार दिखने लगा। उनका दिखाया हर रास्ता मुझे अपनी भलाई का रास्ता ही लगा। तुम भी आज एक नए परिवार में जा रही हो और मेरी तरह तुम भी बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। इसलिए अगर सबको मन से अपनाओगी तो तुम्हें अपने सास ससुर में भी अपने भाबू बाबा साहब मिल जाएंगे। और फिर तुमने जो आज नादानी की है, वो गलती शायद तुमसे कभी नहीं होगी। सबको दिल से अपनाना चाहिए। भाभी, जो गलती मैंने की थी, मुझे उसका पछतावा है भाभी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे किसी का दिल दुखे। पर भाभी, आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोलो। मैंने आज जो भी किया उसे मैं कभी नहीं दोहराऊंगी, लेकिन आप भी प्रॉमिस करो कि आप भी वो बात किसी को नहीं बताओगी, सूरज भैया को भी नहीं बताओगी। छवि, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, उसी से मेरी सारी नाराजगी, मेरा सारा गुस्सा सब खत्म हो गया। और तुम मेरी ओर से बेफिक्र रहो, मैं कभी भाई बहन के रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आने दूंगी। थैंक यू भाभी। यू आर वेलकम छवि। हे ठाकुर जी, मैं गुस्से में ये क्या करने चली? दोनों बच्चों ने नादानी की और मैं उन्हें समझाने की बजाय रिश्ता ही तोड़ने चली आई। छवि मेरे बेटे की खुशी है। दिलीप और छवि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, और गलती अकेली छवि की नहीं है, मेरा बेटा भी उसमें शामिल था। छवि ने अपनी गलती मान ली तो बड़ी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। क्योंकि सुधा, कितना अच्छा माहौल है ना? सजावट भी कितनी अच्छी है ना? है ना? हाँ। दिलीप जी, नमस्ते समन साहब। माँ, ये तो वापस चली गई। हाँ। कैसे खोल क्यों भी गई थी और बर्फ का पानी बनकर वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि वो भारत वापस लेकर जाएंगी, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मारे को भी कोई नहीं समझ आ रहा कि महाराती निशानी से कैसे चुक सके है। अब तमतमाती गई और ठूस होकर आ गई। ऐसा कैसे? कन्या को बुला लीजिए। छवि, तुम इस लहंगे में भी बहुत सुंदर लग रही हो। चलो, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई। आओ। हो दिया और बाती हम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।